नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके कुनबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दुष्कर्म, हत्या, लूट सहित दर्जनों मामलों में सजा काट रहे विजय मिश्रा और उनके कुनबे पर जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। लगातार बढ़ती मुश्किलों के बीच पुलिस अब तक पूर्व विधायक और उनके कुनबे की करीब 130 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा इन दिनों आगरा जेल में सजा काट रहे हैं। इधर पुलिस उनके करीबियों को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई कर रही है। पूर्व विधायक पर शासन का ऐसा हंटर चला कि साल दर साल कुनबे की हालत पतली होती गई। अब तक गैंगस्टर एक्ट में 130 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हो चुकी है। भदोही की बहुचर्चित ज्ञानपुर सीट से चार बार विधायक रहे विजय मिश्रा की मुश्किल अगस्त 2020 से बढ़नी शुरू हुई। एक रिश्तेदार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उसके बाद एसटीएफ ने उन्हें एमपी के आगर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सामूहिक दुष्कर्म सहित ताबड़तोड़ एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। विधायक के बाद उनके भतीजे मनीष मिश्र और सतीश मिश्र की गिरफ्तारी हुई। शासन के निर्देश पर विधायक और बेटे विष्णु मिश्र, बहू रूपा मिश्र, भतीजे मनीष संग कुनबे की तीन साल में 130 करोड़ की चल और अचल संपत्ति कुर्क हो चुकी है। फिलहाल पत्नी पूर्व एमएलसी रामलली को कोर्ट से राहत मिली हुई है, वहीं आगे कुनबे को कहीं से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नाम से एमआईजी टाइपू भवन नंबर 13 द नंबरी हाउसिंग स्कीम प्रयागराज में तीन मंजिला भवन का निर्माण कराया गया था। स्टेट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।